दोस्तों एक समय था जब वोट बैलेट पेपर के माध्यम से डाले जाते थे। जी हाँ, एक कागज पर सभी प्रत्याशियों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह अंकित होते थे, जिस पर वोटर मोहर लगाकर वोट किया करता था। और उस बैलेट पेपर को बड़े ही सुरक्षित तरीके से मोड़ा जाता था ताकि उनका वोट खराब ना हो। लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें थोड़ा सा विकास किया और आई ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब ईवीएम से वोटिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि चलिए बैलेट पेपर से वोटों को गिनना तो बहुत आसान था, यानी कि बस पेपर गिन लिए और समझ में आ गया किसके खाते में कितने वोट गए हैं। लेकिन ईवीएम से वोटों की गिनती कैसे की जाती है? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको इस प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं कि ईवीएम से वोटों की गिनती कैसे की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मोहित बड़ा, आप देख रहे हैं लंच सबको। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ईवीएम से वोटों की गिनती कैसे की जाती है। दोस्तों हालांकि ईवीएम का प्रयोग पिछले काफी चुनावों से किया जा रहा है, लेकिन इस बार यानी कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़ा गया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़ा गया है। दरअसल दोस्तों वीवीपैट वही मशीन है, जब वोट डालते समय आपने वोट डाला होगा तो उसके दाईं ओर एक बॉक्स रखा होगा जिसमें लाइट के साथ साथ एक पर्ची निकली होगी जिस पर प्रत्याशी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह अंकित होगा, जिसे समझ में आता है कि हमने वोट अपना किसको दिया है। अब इस बार मतगणना में वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को भी गिना जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया। दोस्तों मतगणना शुरू होने से पहले मतगणना केंद्र पर चुनाव अधिकारी, प्रत्याशी, प्रत्याशी के एजेंट और चुनाव सुरक्षा में लगी हुई ड्यूटी के कर्मचारी पहुंच जाते हैं। इसके बाद मतगणना शुरू होने से पहले चुनाव अधिकारी ईवीएम की सील की जांच करते हैं। जी हाँ, इसमें ईवीएम के केस पर लगी हुई सील और ईवीएम के अंदर लगी हुई सील की जांच की जाती है। और जब चुनाव अधिकारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाते हैं कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है तो वोटों की गिनती शुरू होती है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे पहले पोस्टल वोटों को गिना जाता है। अब जानते हैं पोस्टल वोट होते क्या हैं। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने उन लोगों के लिए पोस्टल वोट की सुविधा शुरू की है जो लोग अपने क्षेत्र से बाहर हैं या कहीं ड्यूटी कर रहे हैं और चुनाव के समय अपने क्षेत्र में नहीं आ सकते, तो उन्हें पोस्टल वोट देने की सुविधा दी जाती है। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही काउंटिंग करके पता कर लेता है कितने लोग पोस्टल वोट देंगे और उन लोगों को खाली मत पत्र प्रदान किए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके पास भेजे जाते हैं। और जहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं भेजे जा सकते उन्हें डाक द्वारा खाली मत पत्र भेजे जाते हैं, जिस पर वे लोग अपना मतदान देकर उसे दोबारा से चुनाव आयोग को पोस्ट कर देते हैं। यही पोस्टल वोट ईवीएम की गिनती से पहले गिने जाते हैं। जब पोस्टल वोटों की गिनती पूरी हो जाती है तब शुरू होती है ईवीएम से वोटों की गिनती। ईवीएम से वोटों की गिनती के लिए ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में लगे रजिस्टर बटन को दबाया जाता है और जैसे ही बटन दबाया जाता है उसमें उपस्थित वोटों की संख्या सामने आ जाती है और इन वोटों की संख्या को वीवीपैट में पड़ी हुई पर्चियों की संख्या से मिलान किया जाता है। जब मिलान प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं होती है तो उन वोटों की संख्या को फॉर्म नंबर 17C पर दर्ज किया जाता है और इस फॉर्म को रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दिया जाता है। इसके बाद इस फॉर्म पर रिटर्निंग ऑफिसर एजेंट और प्रत्याशी के हस्ताक्षर लेते हैं, जिससे सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वोटों में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। जब एजेंट और प्रत्याशी पूरी तरह संतुष्ट होते हैं तो इन वोटों की संख्याओं को एक ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर दिया जाता है जिससे मीडियाकर्मी उसको पढ़ सकें और इन्हीं वोटों को लाउड स्पीकर पर भी बोल दिया जाता है। दोस्तों एक बार में केवल 14 ईवीएम मशीन में पड़े हुए वोटों को ही काउंट किया जाता है और इस काउंटिंग को पूरी होने के बाद, इस प्रोसेस को पूरा होने के बाद ही लाउड स्पीकर पर वोटों की संख्या को बताया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कहीं ऐसा होता है कि वीवीपैट में पड़े हुए वोट और ईवीएम में पड़े हुए वोटों की संख्या में अंतर होता है तो आखिरी निर्णय वीवीपैट में पड़े हुए वोटों की संख्या से ही लिया जाता है। तो दोस्तों ये है पूरी प्रक्रिया ईवीएम से वोटों की गिनती की। आशा है दोस्तों आपको वीडियो जो अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पास में दिए घंटी आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समय पर पहले पहुंचे। हम दोस्तों फिर आ जाएंगे एक नई वीडियो और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न सब कुछ।